तो इलेक्ट्रोलाइसिस में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करने वाले हैं आफ्टर फैराडेज लॉ एंड दैट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मीन्स हम लोग इसमें ये सीखने वाले हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट आएगा। इसके लिए मैं आपको प्रॉब्लम बता देता हूं जो हमने एक बार ली हुई है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोग किस तरह की टॉपिक से इस टॉपिक में हम लोग क्या सीखने वाले हैं, है ना, वो मैं बता देता हूँ। हमने कराया एक इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस हमने किसका कराया, NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का कराया। NaCl एक्वस सॉल्यूशन, ये रहा आपका NaCl का एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। हमने यहां पर इलेक्ट्रोड्स लिए, ओके, ये इलेक्ट्रोड्स लिए प्लेटिनम के या ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स हैं। ये आपका, हमने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ये आपका निगेटिव इलेक्ट्रोड। हमने की को प्रेस कर दिया, इलेक्ट्रोलाइसिस चालू हो गया, ठीक है। अब यहां पर एक बात आप लोग जानते हैं, ये आपका एनोड है, ठीक है, और ये आपका कैथोड है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैथोड पे रिडक्शन होगा, रिडक्शन देखो किसका होता है, हम लोग देखो सीखने वाले क्या हैं, उसको समझ लो जरा, वो आप समझ लोगे तो आपको काफी इजी हो जाएगा। हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस में प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस क्या होगा, वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें अब आप लोगों के सामने एक एग्जांपल है, NaCl का एक्वस सॉल्यूशन है, ये मैंने पूरा सेटअप बना दिया। अब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको आप कैसे यूज लोगे वो देखो। एग्जिस्टिंग नॉलेज आपका ये है कि कैथोड पे रिडक्शन होता है एनायन का, एनोड पे ऑक्सीडेशन हो सॉरी कैथोड पे रिडक्शन होता है कैटायन का, ठीक है। कैटायन का रिडक्शन होगा और एनायन का ऑक्सीडेशन होगा एनोड पे, इतनी बात क्लियर है। अब यहां हम देखते हैं इसमें है क्या 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 इसके अंदर है, इस सॉल्यूशन के अंदर कैटायन कौन से हैं और एनायन कौन से हैं, ठीक है। तो ये एक तो एच प्लस है इसके अंदर, एच प्लस तो होना ही है ना, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है, एच प्लस है। इसके अलावा एक ओ एच माइनस भी है, एक्वस सॉल्यूशन है तो ये भी होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट का हमने एक एन ए प्लस भी इसके अंदर है और एक सी एल माइनस इसके अंदर है, यानी कि इसमें दो तो कैटायन है आपके और दो आपके एनायन है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोड है कौन सा, निगेटिव टर्मिनल वाला, ये हमने थोड़ा सा उल्टा लिख दिया, इसको सही लिखते हैं, है ना, इसको सही लिखते हैं, इसको इसी फॉर्मेट में ही लिख देते हैं। ये दो आपके एनायन है, ठीक है, और ये दो आपके कैटायन है, ओके। ये आपका इलेक्ट्रोड है कौन सा, नेगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रोड, कैथोड, देखो बात को समझो। ये आपका इलेक्ट्रोड है आपका एनोड जिसपे चार्ज है पॉजिटिव, ओके। अब देखना जरा, आपको पता है ये जो नेगेटिव चार्ज वाले एनायन आयन हैं ये कैथोड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है, और अपने आप को सॉरी एनोड की तरफ मूव करेंगे और अपने आप को ऑक्सीडाइज करेंगे, डिस्चार्ज करेंगे और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये जो कैटायन है ना, ये क्या होंगे, ये रिड्यूस होना चाहेंगे न्यूट्रल। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस में होता क्या है, जितनी भी आयनिक स्पीसीज हैं वो अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहती है। ये यहाँ पर एक टर्म है, डिस्चार्ज का मतलब है कि वो अपना चार्ज रिमूव होकर के न्यूट्रल स्पीसीज में कन्वर्ट होना चाहती है, ठीक है। और जो वो स्पीसीज, जो न्यूट्रल स्पीसीज होगी वही हमारा प्रोडक्ट होगा, ओके। अब बात यहां पर यह है कि कैथोड पर रिड्यूस होने के लिए दो कैटायन अवेलेबल हैं, एच प्लस और एन ए प्लस। एच प्लस का रिडक्शन होगा तो एच टू प्रोडक्ट बनेगा, एच टू गैस बनेगी, और एन ए प्लस का रिडक्शन होगा तो एन ए डिपोजिट होगा इस इलेक्ट्रोड पे। इतनी बात समझ में आई आपको। अभी हमारे पास दो पॉसिबल प्रोडक्ट है, कहां पर, कैथोड पर। एनोड पर जरा देख लो, एनोड पर हमारे पास दो एनायन है जिनका ऑक्सीडेशन होगा, सी एल माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के सी एल टू गैस प्रोडक्ट बनेगा एनोड पर, और ओ एच का आपका वो क्या बोलते हैं, ओ एच माइनस का ऑक्सीडेशन होकर के आपका ऑक्सीजन प्रोडक्ट बनता है। ये कैसे बनता है इसके बाद में करेंगे, अभी तो आप यही ध्यान रखो इसका ऑक्सीडेशन होता है तो ओ टू प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब जरा देख लो एनोड पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, बताना जरा, एनोड पर ऑक्सीडेशन होकर के कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं बताओ। एनोड पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, तो है ना सर, दो है, दो प्रोडक्ट पॉसिबल हैं, सीएल टू ओ सीएल टू भी टू हो सकता है ओ टू भी हो सकता है। कैथोड पे कितने प्रोडक्ट पॉसिबल हैं रिडक्शन के थ्रू, कैथोड पे सर, यहाँ भी टू है। हाँ टू है। अब आपको कोई, अब जाहिर सी बात है कैथोड पे और एनोड पे बनना एक एक ही है। बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बनना एक एक ही प्रोडक्ट है
कैथोड पे एक ही कैटायन का रिडक्शन होगा, एनोड पे एक ही एनायन का ऑक्सीडेशन होगा। यानी कि हमारे पास जो चार स्पीसीज हैं, ये जो इधर कैथोड की तरफ जो दो स्पीसीज है, इनमें से एक प्रोडक्ट बनाएगा और इनमें से एक प्रोडक्ट बनाएगा, वो कौन सा स्पीसीज डिस्चार्ज होगा? एनोड पर कौन सी स्पीसीज डिस्चार्ज होकर के प्रोडक्ट बनाएगी, कैथोड पे कौन सी स्पीसीज डिस्चार्ज होकर के प्रोडक्ट बनाएगी, ये यही हमें सीखना है। हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपको समझ में आया हमारी प्रॉब्लम क्या है, बताना जरा। आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई, हम लोग क्या सीखने वाले हैं? आपको इलेक्ट्रोलाइसिस किसी भी सब्सटेंस का कराना हो, ठीक है, तो उसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा वो आपको निकालना है, वही आपको सीखना है। प्रॉब्लम आपके सामने है, चार आयनिक स्पीसीज हैं, दो प्रोडक्ट बनने हैं, एनोड पे क्या बनेगा? वहां भी एनोड पे भी कॉम्पिटिशन है, सी एल माइनस और ओ एच माइनस में कॉम्पिटिशन है, कौन जीतता है अभी देखेंगे। यहाँ पर एच प्लस और एन ए प्लस में कॉम्पिटिशन है कि कैथोड पे कौन डिस्चार्ज होकर के कौन अपना प्रोडक्ट बनाएगा, ये भी हम अभी देखेंगे। तो ये हमारी प्रॉब्लम है, हाउ टू प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ये आप क्वेश्चन लिख सकते हो, ठीक है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। अब ये तो बात हो गई, अब इसके सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट कैसे प्रिडिक्ट करना है। तो सब कुछ जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस है ना, वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब इसका सॉल्यूशन समझते जाना जरा, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस किस पे डिपेंड करता है, कुछ फैक्टर्स पे। तो आप लोग लिख लो एक लाइन, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस डिपेंड्स अपॉन किस किस पे डिपेंड करता है, नंबर वन ये तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, और ये है आपका नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड। ये तो बात बिल्कुल सही है भाई, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, बात सही है ना, बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, ठीक है, नेचर ऑफ मटेरियल बीइंग इलेक्ट्रोलाइज्ड, उस मटेरियल की नेचर पे भी डिपेंड करता है। इसमें हमारे पास दो रूल हैं, है ना, दो हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट हैं, वो आप लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे, एट कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा वो देख लो, नेचर ऑफ मटेरियल कैसे डिसाइड करती है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा एट कैथोड। कैटायन हैविंग या स्पीसीज भी बोल सकते हैं, कैटायन हैविंग ग्रेटर एसआरपी वैल्यू विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट। ये लो फैसला हो गया, रूल आपके सामने आ गया, विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट, बात समझ में आ गई आपको। अब जरा देखना ऊपर जो प्रॉब्लम थी उसमें कैटायन वाला सॉल्यूशन होता है कि नहीं होता है, पहले आप इस रूल को समझ लो। कैटायन कौन सा रिड्यूस होगा भाई, जिसकी एसआरपी वैल्यू क्या होगी, बताना जरा। ग्रेटर एसआरपी वैल्यू, इसका मतलब अब इसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कनेक्ट कर सकते हो, आपने जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है जो आपने सीखा हुआ है उससे कनेक्ट कर सकते हो। आपने क्या सीखा है, आपने वहां पर यह सीखा था कि जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा होती है उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा होती है वो कैथोड बनाता है, ये सीखा था कि नहीं सीखा था आपने। तो यहां पर भी हम लोग यही कॉन्सेप्ट यूज ले रहे हैं कि जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा, क्योंकि एसआरपी का मतलब क्या है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जिसका रिडक्शन होने का पोटेंशियल ज्यादा है वही तो पहले रिड्यूस होगा। तो कैटायन के लिए ये लो एकदम फिक्स है, आपको ये ध्यान रखना है एसआरपी वैल्यू जिसकी ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम चलते हैं हमारी प्रॉब्लम के पास, और ये हमारी प्रॉब्लम थी कैटायन किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, फटाफट बता दो किसका एसआरपी वैल्यू ज्यादा है। कैटायन हमारे पास दो है, एच प्लस और एन ए प्लस, फटाफट बिना देर किए जल्दी से। एन ए का इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप देखोगे तो एन ए का है -2.71 वोल्ट, और हाइड्रोजन का तो पूरी दुनिया जानती है कितना होता है, हाइड्रोजन का बता दो 0.0 वोल्ट। ज्यादा कौन है फटाफट बताओ, ग्रेटर वैल्यू किसकी है, हाइड्रोजन की ग्रेटर वैल्यू है। तो कैथोड पे आपका प्रोडक्ट होगा हाइड्रोजन। रूल को सुन लो, समझ लो, लिख लो, ग्रेटर द एसआरपी वैल्यू द कैटायन विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट,
जिस कैटायन की ग्रेटर वैल्यू होगी एसआरपी की, उसकी रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसलिए पहले वो रिड्यूस होगा, एनए का नंबर नहीं आएगा। तो इस कॉम्पिटिशन में कौन विनर हो गया? एच प्लस, उसकी एनए के कंपैरिजन में उसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है, वो पहले वहां रिड्यूस होगा। प्रोडक्ट हमें कैथोड पे फाइनलाइज हमने कर दिया, हमें एच टू गैस प्रोडक्ट मिलेगा। इज इट कन्फर्म्ड? ओके, आपको बात समझ में आ गई? नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ मटेरियल कैसे डिसाइड करता है, है ना। अब एनोड पे ले लेते हैं, एनोड पे भी देखते हैं, ये हमारा रूल काम। अच्छा, एनोड पे क्या होता है बताना जरा, क्या होता है एनोड पे, बट फटाफट बता दो। अब आप लोग ही बनाओगे रूल। एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन के रिडक्शन, ऑक्सीडेशन होता है ना। तो ऑक्सीडेशन किसका पहले होना चाहिए, जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है या जिसकी एसआरपी वैल्यू कम है, किसका होना चाहिए? कम हो सर। कम हो तो रूल लिख लो फटाफट, रूल लिख लो, एनायन हैविंग या स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज हैविंग लेसर एसआरपी वैल्यू, हो गया फटाफट, लेसर एसआरपी वैल्यू विल बी ऑक्सीडाइज्ड फर्स्ट। बहुत सिंपल सी बात है, बात सही है कि नहीं है, समझ में आया, है ना। एनायन वो जिसका एसआरपी वैल्यू लोअर है वो ऑक्सीडाइज पहले होगा, ये तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का नॉलेज है भाई, बहुत सिंपल सी बात है, हमने उसको यहाँ पर यूज ले लिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला फैक्टर जिस पे डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अब देखना जरा, अब इनका आपको वो निकालना है। अब एक्चुअल में यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है, इसको हम अभी जस्टिफाई नहीं करने वाले हैं, जस्टिफाई अब एनायन वाले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए यहाँ पर ये जो हमने रूल लिखा है ना, इससे आंसर आएगा नहीं, और एक दो फैक्टर देखने पड़ेंगे हमें, ठीक है, और इसको हम सेपरेटली भी डिस्कस करेंगे, इस केस को ही, पूरे केस को। ओके, तो अब सेकेंड फैक्टर लिखो भाई, सेकेंड फैक्टर लिख लो, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सेकेंड फैक्टर आपका नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, फटाफट लिख लो, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड बीइंग यूज्ड। ये लो भाई, इलेक्ट्रोड कौन सा यूज हुआ है, इस पे भी प्रोडक्ट डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड होते हैं ना ये, इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट नहीं करते। इनर्ट इलेक्ट्रोड्स कौन कौन से होते हैं? आपका प्लेटिनम और ग्रेफाइट, ये क्या करते हैं? डू नॉट पार्टिसिपेट, फटाफट लिख लो, डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है, है ना। और एक्टिव इलेक्ट्रोड एक होते हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, ये तो आपका इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं, एक्टिव इलेक्ट्रोड, एक्टिव इलेक्ट्रोड। अब एक्टिव इलेक्ट्रोड कौन होते हैं, सुन लो भाई, एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं कोई भी हम लोग मेटल यूज लें, कोई मेटल यूज लें जो इनर्ट नहीं हो, आपका कॉपर ले लिया, एजी ले लिया, इस तरह के मेटल्स यूज लें, वो एक्टिव इलेक्ट्रोड होते हैं, ठीक है। उनके केस में प्रोडक्ट डिपेंड करता है, क्योंकि ये पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, किसमें? इलेक्ट्रोलाइसिस में, पार्टिसिपेट्स इन इलेक्ट्रोलाइसिस, ये लो, ये इलेक्ट्रोलाइसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। कौन सा एक्टिव मेटल होगा उसके हिसाब से कैसे प्रोडक्ट बनेगा, ये हम जो केस डिस्कस करेंगे तभी बात करेंगे। आपको ये ध्यान रखना है, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट बेचारे दूर रहते हैं, इस झंझट में फंसते नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट को कह देते हैं तुम अपना इलेक्ट्रोलाइसिस करते रहो, हमें पार्टिसिपेट नहीं करना। इनर्ट इलेक्ट्रोड के केस में आपको प्रोडक्ट प्रिडिक्ट करना बहुत इजी होता है, एक्टिव इलेक्ट्रोड आते ही आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। नंबर तीन, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नंबर तीन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, नंबर तीन भी लिख लो भाई, काइनेटिक बैरियर। काइनेटिक बैरियर, काइनेटिक बैरियर और ओवर वोल्टेज या ओवर पोटेंशियल, ओवर वोल्टेज या फिर ओवर पोटेंशियल, ये बड़ा ही डेंजरस पॉइंट है, ये आपको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसकी हम बात तभी करेंगे। अच्छा, इसको मैं समझा देता हूँ आप लोगों को पहले, है ना, इसके लिए इसको मैं समझा देता हूँ। कई बार देखो क्या होता है, कई बार क्या होता है, जैसे ये है OH और Cl, अब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ये कहती है कि OH है ना, ठीक है, OH का ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए, ये आपका
एनोड है, ठीक है। OH का ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए, Cl का बाद में होना चाहिए, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। किसका? Cl का। OH का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए इसका पहले होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें और इनका लिख भी लेते हैं। चलो इस पर्टिकुलर केस को ही हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, OH वाले को और Cl वाले को, ठीक है। तो ये आपका OH, OH को बताने के लिए आपको कुछ और बताना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी आप यही देख लो, OH जब ऑक्सीडाइज होगा तो प्रोडक्ट इसमें बनेगा आपको O2, Cl होगा तो प्रोडक्ट बनेगा Cl2 गैस, ठीक है, इसमें भी O2 गैस, ओके। अब इनमें से जो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, SRP वैल्यू है, SRP वैल्यू के बेसिस पे क्या प्रॉब्लम आई वो देख लेते हैं। SRP वैल्यू लिख देता हूं मैं इनकी, आप फटाफट से देखना किसकी ज्यादा है किसकी कम है। तो सबसे पहले मैं आपके सामने लिखता हूं Cl की, वो है -36 वोल्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन की लिख देता हूं, एक्चुअल में OH के लिए कौन सी रिएक्शन हम लोग यूज लेते हैं वो बाद में बताऊंगा, पहले हम इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिख लेते हैं, वो है -1.23 वोल्ट। बताओ भाई इसमें 36, ठीक है। तो लेसर वैल्यू किसकी है फटाफट बताओ, एनायन के लिए हमारा वो क्या है, रूल क्या है एनायन के लिए, लेसर वैल्यू जिसकी होगी उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, लेसर वैल्यू किसकी है फटाफट बताओ, क्लोरीन, क्लोरीन की लेसर वैल्यू है तो प्रोडक्ट क्लोरीन बनाना चाहिए ना, प्रोडक्ट क्लोरीन बनाना चाहिए ना, लेकिन यहाँ प्रोडक्ट क्लोरीन नहीं बनाता है, यहाँ प्रोडक्ट क्लोरीन नहीं बनाता है, उसका रीजन है आपका हेडिंग, हेडिंग क्या है, काइनेटिक बैरियर ओवर और ओवर पोटेंशियल, काइनेटिक बैरियर और ओवर पोटेंशियल ओवर वोल्टेज, ये आपका हेडिंग इसका रीजन है। जो हमने पॉइंट नंबर वन में देखा है कि SRP वैल्यू जिस एनायन की कम है वो पहले ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, इस हिसाब से Cl की वैल्यू कम है, ये -1.36 है, ये कम है, इसका ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऑक्सीडेशन किसका पहले होता है, H2O का पहले होता है, ठीक है। ऑक्सीजन आपको प्रोडक्ट मिलेगा कम कैसे, कम किसकी हुई बताना जरा, तो अब आप लोग वापस देखो, माइनस का साइन यहां से रिमूव कर दिया गया है। अब H2O की कम है, ठीक है, OH की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो कम है, तो ये वैल्यू कम होने से हमारा जो रूल क्या कहता है, जिसकी SRP वैल्यू कम है उसका ऑक्सीडेशन पहले होगा, तो OH का ऑक्सीडेशन होकर के O2 प्रोडक्ट बनना चाहिए, लेकिन ऐसा बनता नहीं है, ऐसा बनता नहीं है, प्रोडक्ट बनता है आपका, और ये सारी बातें जो अभी हमने की थी उसके रिवर्स है, ठीक है, है ना। वापस देख लेते हैं, SRP वैल्यू जिसकी कम है उसका ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए, इसका ऑक्सीडेशन पहले होना चाहिए, OH का प्रोडक्ट बनना चाहिए आपका O2, ठीक है, Cl2 नहीं बनना चाहिए, लेकिन इसमें प्रोडक्ट आपका Cl2 बनता है और O2 नहीं बनता है, ठीक है। उसका रीजन यही है, क्योंकि O2 का ओवर पोटेंशियल वो ज्यादा होता है, उसकी वजह से OH- को ऑक्सीडाइज होकर के O2 बनाने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, इसको ज्यादा वोल्टेज चाहिए, क्योंकि ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस मैंने लिखा है नीचे जहां मैं टिक कर रहा हूँ, ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, ठीक है, एज पर रूल तो ये होना चाहिए, लेकिन ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस है, इसलिए इसको होने के लिए और ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करना पड़ता है, और ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करेंगे तो आपका वो जो टोटल वोल्टेज है जो इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहिए, OH को ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहिए, वो Cl को ऑक्सीडाइज होने के लिए चाहिए, उस वोल्टेज से ज्यादा हो जाता है। बात समझ में आई? तो इसलिए आपका जो Cl है वो प्रोडक्ट बनता है, जबकि SRP वैल्यू कम किसकी है, OH की है, फिर भी O2 प्रोडक्ट नहीं बनता है, ठीक है, इसका रीजन है आपका काइनेटिक बैरियर या ओवर पोटेंशियल। अब बताओ तो सर ये यहाँ पे सर वो इसलिए आता है सर काइनेटिक बैरियर, यहाँ पे काइनेटिक बैरियर इसलिए आता है क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है, ये जो प्रोसेस है ना H2OH वाला, ये स्लो प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए इसको ये जिसकी जितनी इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है, देखो बात को समझो, जितनी इसकी थ्योरेटिकल वैल्यू है आपकी 1.23, इस पर ये ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा, इसको ऑक्सीडाइज होने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, तो प्रैक्टिकल वैल्यू ज्यादा है और थ्योरेटिकल वैल्यू आपकी 1.23 है। आपको बात समझ में आई?
थ्योरेटिकल वैल्यू इसकी 1.23 है ना, उसके हिसाब से इसको ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन ये काइनेटिकली स्लो प्रोसेस होने की वजह से इतने वोल्टेज पे ये डिस्चार्ज नहीं होता, इसको डिस्चार्ज होने के लिए ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ठीक है। तो वो जो वोल्टेज है वो सीएल से ज्यादा हो गया, ओवर वोल्टेज मिला करके, इसलिए पहले अब तो नेट वैल्यू जो है ना वो सीएल की कम हो गई। तो यहाँ पर ओवर पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट है, ओवर पोटेंशियल हमारे जो केस में या हमारे पूरे डिस्कशन में केवल एक ही आयन के साथ रहेगा और वो है हमारा OH वाला आयन, इसलिए जहां भी OH आए वहां आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना है, ठीक है ना, कि इसका ओवर पोटेंशियल। अब देखो OH का हमेशा नहीं होता ऐसे, इसका ओवर पोटेंशियल केवल सीएल को क्रॉस कर पाता है, बहुत सारे ऐसे एनायन है जिनको ये क्रॉस नहीं कर पाता, ठीक है। तो यहाँ पर नेट जो वोल्टेज है वो सीएल माइनस से ज्यादा हो गया, इसलिए सीएल माइनस पहले ऑक्सीडाइज हो गया। कई केसेस में जैसे एसओ फोर टू माइनस है उसका 1.93 होता है, ये आपका एसओ फोर टू माइनस है इसका 1.93 होता है, तो इससे ज्यादा नहीं जाता इसका, इसका इंक्रीज होकर के इससे ज्यादा नहीं जाता, इसलिए OH और एसओ फोर टू माइनस होगा तो प्रोडक्ट एसओ फोर टू माइनस ही बनाएगा, OH नहीं बनाएगा। बात आपको समझ में आई? खैर ये इनका कंपैरिजन, इसमें अलग स्टोरी है एक SO4 और OH में, इसलिए अभी हम सबसे पहले ओवर पोटेंशियल की डेफिनेशन ले लेते हैं। ओवर पोटेंशियल है क्या, कहाँ ये काम करता है, हमारा डिस्कशन थोड़ा सा लंबा हो गया एक्चुअल में, यहीं रख देते हैं इसको, ये लो, ठीक है, ठीक है। अब एक बार इसकी रीडिंग कर लो मेरे साथ, ओके। ये है क्या, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस मेनली डिपेंड्स अपॉन, ये तो हो गया, ठीक है, इसको छोड़ो, यहां से पढ़ो, इट मे बी नोटेड दैट सम इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस दो फिजिबल, ये देखो फिजिबल है वो, जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस अभी कौन सा फिजिबल था, OH वाला, ठीक है, लेकिन क्या है, are so slow kinetically that at lower voltage these do not seem to occur, ये लो, lower voltage पर ये होते ही नहीं है, feasible हैं लेकिन kinetically slow हैं, इसलिए जो इनका calculated voltage है उस पर ये proceed नहीं होते हैं। The slowness of electrode reaction creates electrical resistance, ठीक है, at the electrode surface, therefore for the occurrence of such reaction some extra potential or voltage is required, ye lo kuch extra voltage chahiye inko oxidize hone ke liye, jaise oh ko extra chahiye, to iski jo value hai 1.23 aur cl ki value hai kitni 1.36, theek hai, to isko extra voltage wo milate hain na, extra voltage, okay, to wo mila kar ke इससे 1.36 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए नेट वैल्यू सीएल की कम है। बात समझ में आ गई, ओवर पोटेंशियल को कंसीडर करने के बाद, है ना, वापस देख लो इसको, देयरफॉर फॉर द अकरेंस ऑफ सच रिएक्शंस सम एक्स्ट्रा पोटेंशियल और वोल्टेज इज रिक्वायर्ड देन द थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ देयर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, ये देख लो थ्योरेटिकल वैल्यू है जो इनकी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ठीक है, उससे ज्यादा चाहिए होता है, दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज रिक्वायर्ड इज नोन एज ओवर वोल्टेज। बात समझ में आ गई, समझ में आई कि नहीं आई, बताओ जरा, आ गई सर, ओके ओके। तो अब हम बात करते हैं इसकी एनायंस की, ठीक है, और अब हम लोग फटाफट देख लेते हैं कुछ, हमारे पास एक एनायन का, हमारे पास एक वो है, क्या है, एनायन का रिजल्ट है। अब आप कहोगे सर कैटायन वाला तो देखो रूल एकदम क्लियर है, अब फाइनल डिसीजन सुन लो भाई, डिसीजन होने वाला है एक, इस पूरे प्रोसेस का डिसीजन आपको सुनना होगा। कैटायन के लिए फिक्स है, कैटायन के लिए फिक्स है, जिसकी ग्रेटर एसआरपी वैल्यू होगी, ग्रेटर एसआरपी वैल्यू होगी वो रिड्यूस होगा, बात सही है ना, ओके। एनायन के लिए प्रॉब्लम आ गई, एनायन के लिए क्या हुआ, एनायन के लिए आपका एसआरपी वैल्यू से फैसला नहीं हो रहा, इसमें आपका एक चीज और बीच में आ गया, ओवर वोल्टेज, तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा ओवर वोल्टेज किसके केस में कितना ज्यादा है, ठीक है, इसलिए एनायन के फैसले के लिए एक मैंने ऑर्डर बनाया है, वो ऑर्डर देख लो जरा, आपको वो ऑर्डर फॉलो करना है, वो ऑर्डर क्या है, फॉर एनायंस आपका ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, ये लो भाई डिस्चार्ज पोटेंशियल, यानी कि वो पोटेंशियल जिसपे डिस्चार्ज होंगे, हमने एसआरपी वैल्यू नहीं लिए यहाँ पर, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल फॉर एनायन,
ये लो एनायन के लिए डिस्चार्ज पोटेंशियल का ऑर्डर ले रहे हैं, वो ऑर्डर देखना जरा, एफ माइनस सबसे ज्यादा है, एसओ फोर टू माइनस है, उसके बाद में आपका एनओ टू माइनस है, उसके बाद में ओ एच माइनस है, उसके बाद में हमारे तीनों हेलोजन सी एल बी आर और आई, ये ऑर्डर आपको रट लेना है। एनायन का फैसला आप इस ऑर्डर के बेसिस पे करेंगे, इस ऑर्डर में आपका जो ओवर पोटेंशियल वाला जो डेटा है वो भी इंक्लूडेड है। अब आपको ओवर पोटेंशियल से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको वो नहीं भी पता कि किसके केस में कितना है, तो भी आप सिंपल सा इस ऑर्डर के बेसिस पे एनायन का जो प्रोडक्ट है वो प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसका रूल भी लिख लो, रूल भी लिख लो इसका, एनायन विद लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, फटाफट लिख लो, एनायन विद लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल, एनायन विद लेसर डिस्चार्ज पोटेंशियल will form the product first, will form the product, समझ में आ गया। कैटायन का फैसला किससे करोगे जरा बताना, कैटायन का फैसला किससे करोगे, एसआरपी वैल्यू से, एसआरपी वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी उसका रिडक्शन पहले हो जाएगा, वो प्रोडक्ट बनाएगा जाकर के कैथोड पे, ठीक है। एनायन का फैसला किससे करोगे, डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर से, तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का ये जो ऑर्डर है ये ओवर वोल्टेज वाला जो कॉन्सेप्ट है उसको इंक्लूड करते हुए है, इसलिए आप एनायन का फैसला आप इस ऑर्डर से करेंगे। अब आप कहेंगे सर एनायन तो बहुत सारे हैं, आपने तो कुछ ही लिए हैं, बाकी का क्या होगा, तो बाकी का ये है, बाकी का आपको क्वेश्चन ही नहीं मिलेगा, यू विल नेवर हैव क्वेश्चन अदर ऑफ एनायन अदर देन दीज, बात समझ में आई, इनके अलावा आपको कोई भी एनायन का कभी कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ये सारे क्वेश्चन से ही लिए हुए हैं, और आपको क्वेश्चन में किसी भी लेवल के कोई भी क्वेश्चन में इलेक्ट्रोलाइसिस में इनके अलावा आपको कोई एनायन नहीं मिलेगा, ठीक है, ओके। तो इसमें क्या रूल है, इसमें ये रूल है, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसका कम होगा वो पहले प्रोडक्ट बनाएगा। अब OH और Cl में डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है बताना जरा, डिस्चार्ज देखो एसआरपी वैल्यू के बेसिस पे तो OH प्रोडक्ट बना रहा था, लेकिन यहां पर सिचुएशन बदल गई है, डिस्चार्ज पोटेंशियल सीएल का कम है तो सीएल पहले प्रोडक्ट बनाएगा, इसलिए ये जो हमारा ऑर्डर है और ये हमारा कॉन्सेप्ट है वो एकदम सही जवाब हमें दे रहा है, ठीक है। अब देख लो जरा, अब हम चलते हैं एक एक करके इलेक्ट्रोलाइसिस के तरफ, और अब आप लगाएंगे एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, फटाफट हेडिंग लगा लो, बहुत हो गया थ्योरेटिकल डिस्कशन, एग्जाम्पल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। अब आप मुझे बताते जाएंगे प्रोडक्ट, क्योंकि आप प्रोडक्ट को प्रिडिक्ट करना सीख गए हैं, आप मुझे बताएंगे, मैं फटाफट उनका जो प्रोडक्ट है वो मैं निकालता चला जाऊंगा, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले लेते हैं, सबसे जो पहला एग्जाम्पल है हमारे सामने वो है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ मोल्टन NaCl, हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ नहीं लिखेंगे, सीधा ही लिख देते हैं मोल्टन NaCl यूजिंग पीटी इलेक्ट्रोड्स, ये इलेक्ट्रोड बताना जरूरी है, ध्यान रखना इस चीज का, ओके, यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स, ठीक है। ये आपके पास सैंपल है भाई, ये आपके पास सैंपल है, यहाँ पर मोल्टन NaCl है, कोई दिक्कत नहीं है, मोल्टन NaCl, मोल्टन NaCl का आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड आपने इंसर्ट कर दिया, ये आपका पॉजिटिव पार्ट, ये आपका नेगेटिव पार्ट, ये लो, ठीक है। फटाफट बता दो मुझे कैथोड पे और एनोड पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, फटाफट बता दो, इसके अंदर कौन कौन से आयन है, मोल्टन NaCl में कौन कौन से आयन है, एक तो Na+ है और एक Cl- किधर जाएगा बताना जरा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, दो ही आयन है ना यहाँ, तो ज्यादा झगड़ा ही नहीं है, दो के बीच दो ही आयन है, ठीक है, इसलिए एनायन कहाँ जाएगा, एनायन जाएगा आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के पास, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन सा है, एनोड, वहां पर जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, और ये आप लिख सकते हैं एट एनोड, एनोड पे क्या होगा, सीएल माइनस जाकर के ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सीएल टू गैस, ये लो आप सीएल टू गैस, इसमें प्रोडक्ट बनेगा, प्लस में एक इलेक्ट्रॉन रिलीज होगा, और कैथोड पे क्या होगा, कैथोड पे क्या होगा, कोई कैटायन ही नहीं है, कैटायन केवल अकेला है Na+, ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और Na डिपॉजिट हो जाएगा उस पे, किस पे, कैथोड पे, ये आपका ऑक्सीडेशन हो गया और ये आपका रिडक्शन हो गया, ठीक है, बात समझ में आई कि नहीं आई, प्रोडक्ट निकाल सकते हो, मोल्टन NaCl में तो कोई झगड़ा ही नहीं है, एक ही कैटायन है, एक ही एनायन है, वही होना है रिड्यूस और ऑक्सीडाइज, ठीक है, आगे चलें, क्लियर है,
हाँ सर। ओके नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर टू। अब आपका आ गया एक्वस एनएसीएल, एक्वस एनएसी, अभी तो मोल्टन था, देखो अब मोल्टन था, अब एक्वस एनएसीएल आ गया, ठीक है। और इलेक्ट्रोड हम लोग कौन सा ले रहे हैं, प्लेटिनम इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं भाई, अभी तक हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड ही ले रहे हैं, इलेक्ट्रोड वाला जो फैक्टर है उसको हम लोग छेड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ हम ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसी में वेरिएशन ला रहे हैं। अब हमारे पास एक्वस है, एक्वस है तो आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत सिंपल सी बात है, ये आपका एक्वस सॉल्यूशन हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका एक्वस एनएसीएल, आपने एक इलेक्ट्रोड लगाया प्लेटिनम का, ये दूसरा इलेक्ट्रोड लगाया, बैटरी से फटाफट इसको कनेक्ट कर दिया, ओके, ये आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। अब देखना जरा इसमें कौन कौन है, एक तो एच प्लस है और एन ए प्लस है, ये तो कैटायन है, एनायन कौन कौन से है आपके, ओ एच माइनस है और सी एल माइनस है, सही बात है क्या, बताना जरा फटाफट बोल दो। यस सर। अब देख लो जरा, सबसे पहले कैटाइन की बात करते हैं, कैटाइन कहाँ जाएंगे, निगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कि कैथोड पे जाएंगे, ये आपका कैथोड है। अब एनायन में झगड़ा होगा, कौन जाएगा पहले, एच प्लस कहेगा मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, एन ए प्लस कहेगा मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, लेकिन आप जानते हैं कौन प्रोडक्ट बनाएगा, कैटाइन के लिए हमारा रूल क्या है, जिसकी एस आर पी वैल्यू ज्यादा वो प्रोडक्ट बनाएगा, बात सही है क्या, बता दो जरा। यही है सर, बात तो सही है, बात तो सही है, तो ये हो गया एट कैथोड, ठीक है। कैथोड पे हमारे पास दो पॉसिबल रिएक्शन है, देख लेते हैं, सबसे पहले H प्लस की है, H प्लस का ये हुआ रिडक्शन और ये बना H2 half H2 गैस, ये प्रोडक्ट बना किस पे, कैथोड पे। इसी तरह से एक पॉसिबल प्रोसेस ये भी है, प्लस इलेक्ट्रॉन और ये बना आपका Na, ठीक है, कैथोड पे। देखते हैं इन दोनों में से कौन पॉसिबल होगा, इसका SRP वैल्यू है 0.0 वोल्ट, इसका SRP वैल्यू कितना लिखा था भाई मैंने अभी, -2.71 वोल्ट, ठीक है। अब देखना जरा, हम आपको पता है ग्रेटर द SRP वैल्यू द कैटाइन विल बी रिड्यूस्ड फर्स्ट एट कैथोड, इसके हिसाब से ये आपका प्रोडक्ट बनेगा, इसकी वैल्यू ज्यादा है, ये माइनस की वैल्यू है, ये आपका प्रोडक्ट नहीं बनेगा, कैथोड पे हमारा प्रोडक्ट फाइनल हो गया कौन सा, बताना जरा, एच टू गैस। यस, कैथोड पे आपको मिलेगा एच टू गैस, ठीक है। अब यहां पर एक कॉन्सेप्ट है, क्या है बता भी दो सर, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये है कि आपको H प्लस का जो रिडक्शन है ना वो किस तरह से लिखना है, H प्लस का जो आप रिडक्शन लिखेंगे ना वो आपको किस तरह से लिखना है, ठीक है। तो H प्लस का रिडक्शन देख लो किस तरह से लिखा जाएगा, और ये जो कैथोड पे जो रिएक्शन होगी उसको कैसे लिखा जाएगा, ये जो आपका H प्लस बनता है ये H2O के आयनाइजेशन से बनता है, सही बात है ना, सही बात है ना, ठीक है। और उसके बाद में इसका H प्लस का क्या होता है, रिडक्शन होकर के ये आपका हाफ H2 प्रोडक्ट बनता है, ये बात सही है। अब आप इनको क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे, इनको ऐड करेंगे तो नेट रिएक्शन देख लो क्या मिलेगी, नेट रिएक्शन आपको मिल रही है, ये आपका H प्लस आपका कट गया, H2O प्लस में इलेक्ट्रॉन और ये आपका हो गया हाफ H2 गैस प्रोडक्ट प्लस में OH माइनस आयन, हो गया, ठीक है। तो आपको बेसिकली ये जो रिएक्शन लिखी है आपने H प्लस वाली, ठीक है ना, उसका नेट रिएक्शन ये है, इसको आप क्या लिखेंगे, नेट रिएक्शन एट कैथोड, ये कैथोड की नेट रिएक्शन हो रही है, कैथोड पे ये नेट रिएक्शन हो रही है और प्रोडक्ट बन रहा है आपका H2 गैस प्रोडक्ट, ये लो, बात समझ में आ गई। अब यहां पर एक चीज को ध्यान रखना, आप जो H प्लस को रिड्यूस करके H2 प्रोडक्ट बनाओगे ना उसमें आपको नेट रिएक्शन हमेशा ये लिखनी है, ये लिखनी है आपको H2 के लिए ये रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। यानी कि यहां पर आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि यहां पर H2O का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, किसका रिडक्शन हो रहा है, H2O का, वाटर का रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, बात आपको समझ में आई। हमने सिर्फ कैथोड को डिस्कस किया है, देख लो जरा, कैथोड पे दो पॉसिबल प्रोसेस थे, रूल ने हमें बताया कि जिसकी एसआरपी वैल्यू ज्यादा है वो पहले रिड्यूस होगा, एच प्लस पहले रिड्यूस होगा, लेकिन अब यहाँ पर एच प्लस से रिलेटेड ये एडिशनल कॉन्सेप्ट है कि एच प्लस की जो रिएक्शन है वो हम इस तरह से लिखते हैं, जहां मैंने टिक किया है इन ये दोनों रिएक्शन लिखते हैं आप लोग, एच टू ओ का आयनाइजेशन और एच प्लस का रिडक्शन, इन दोनों का सम करते हैं, ये नेट रिएक्शन आ गई, तो कैथोड पे ये नेट रिएक्शन होती है और ये आपका प्रोडक्ट बनता है एच टू, ये कैथोड की कहानी हुई खत्म। रूल को हमने इंक्लूड किया, रिएक्शन कैसे लिखते हैं वो भी हमने सीख लिया। अब बात करते हैं एनोड की,
एनोड पे देख लो कौन कौन किस किस में झगड़ा है, OH- माइनस और Cl- माइनस में, बताना जरा एनोड पे किस किस में झगड़ा है। बता भी दो, एनोड में आपके दो प्रोसेस हैं, ठीक है। एनोड का तो आपको वैसे ही पता चल गया होगा, आपको ऑर्डर किससे एट एनोड प्रोडक्ट किससे डिसाइड करोगे आप, डिस्चार्ज पोटेंशियल से या एसआरपी वैल्यू से, बताओ जरा। डिस्चार्ज पोटेंशियल से प्रोडक्ट विल बी डिसाइडेड बाय ऑर्डर ऑफ डिस्चार्ज पोटेंशियल, नॉट बाय एसआरपी वैल्यू से करोगे तो आपको ओवर वोल्टेज को ध्यान में रखना पड़ेगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल के ऑर्डर से करोगे जो मैंने आपको दे दिया तो उसका कोई चक्कर नहीं है, ठीक है ना। आपको कहानी समझ में आ गई कि ओवर वोल्टेज किसका, ओएच के केसेस में ओवर वोल्टेज होता है, इसलिए थ्योरेटिकली यदि आप जाओगे तो ओएच रिड्यूस होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट ऑर्डर ध्यान में है क्या आपको, या दिखाऊं आपको ऑर्डर, ये देख लो रूल क्या है, लेसर द डिस्चार्ज पोटेंशियल है ना, वो एनायन है वो पहले प्रोडक्ट बनाएगा। तो सीएल का और सीएल और ओएच में किसका लेसर है, फटाफट बता दे जाओ मुझे। डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम है, ओएच का या सीएल का, रूल के हिसाब से कौन जाएगा पहले बताओ। बता दो। तो सीएल का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है इसलिए सीएल यहां पर प्रोडक्ट बनाएगा। ये आपका हो गया सीएल माइनस, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, सीएल टू गैस प्रोडक्ट बनेगा, हाफ सीएल टू गैस प्रोडक्ट प्लस में एक इलेक्ट्रॉन, ये हो गया एनोड पे ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर। आगे चलें। ठीक है तो अब आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस एक और कराएंगे और प्रोडक्ट मुझे फटाफट बताएंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस ये थर्ड एग्जांपल है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस CuSO4, एक्वस CuSO4 और इलेक्ट्रोड कौन से ले रहे हैं हम लोग, पीटी इलेक्ट्रोड्स। फटाफट लिख लो, ठीक है। अब आपको प्रोडक्ट बनाना है भाई, अब हम ज्यादा कुछ कहानी करेंगे नहीं। ये आपका जो है वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, कौन कौन से आयन है इसमें फटाफट बता दो मुझे, कौन से आयन है, एक्वस है ना, एक्वस में कौन कौन से आयन है, एच प्लस है और Cu2+ है, ये तो आपके कटायन हो गए। एनायन कौन कौन से हैं, SO4-2- और एक OH-, सही बात है ना, है ना। सबसे पहले एट कैथोड पे प्रोडक्ट देख लेते हैं। कैथोड पे पॉसिबल प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, एक तो आपका कौन सा H+ वाला, बात समझ में आई कि नहीं आई, H+ वाला, तो H+ और Cu2+ कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए, फटाफट बता दो। कौन सा प्रोडक्ट बनना चाहिए सर, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगी सर गैस। हाँ हाइड्रोजन गैस आएगी क्या, अभी देखते हैं। ये लो भाई, ये इसका रिडक्शन हुआ और ये आपका प्रोडक्ट बन गया हाफ H2 गैस, ठीक है। ये 0.0 वोल्टेज इसका SRP वैल्यू होता है, क्योंकि कैटायन का फैसला तो आप ऐसा